नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और नई नर्सिंग वैकेंसी लेके आए हैं। यदि आप भी नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले इस पर मिलता रहेगा। नर्सिंग वैकेंसी रिलेटेड अपडेट हो और चाहे नर्सिंग नोट्स, सभी इस पर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीरियल नंबर 12 जो है वो स्टाफ नर्स की वैकेंसी लिखी हुई है और ये रहने वाली है 701। इतनी सीट्स के लिए रहने वाली है। इसके लिए GNM या BSc नर्सिंग इन्होंने मांगा है और जो अपर लिमिट है एज की वो 43 रखा है। सैलरी आपकी 20,000 पर मंथ रहने वाली है। ये सब निकाला है, आप देख सकते हैं, पुणे पुणे जिला परिषद ने निकाला है। इसके अलावा आप यदि देख सकते हैं, ये सब कुछ और पोस्ट रहेंगी और इसकी लास्ट डेट रहेगी वो है 15 जुलाई। 15 जुलाई लास्ट डेट है। यदि आप मराठी जानते हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसमें कंपलसरी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि क्योंकि मराठी का ही ज़्यादा यूज़ होता है उधर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको चाहिएगी कि एज उम्र का प्रमाण पत्र चाहिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, और अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो वो चाहिए, ऑब्वियसली रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप किसी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये सब कुछ है। इसके अलावा इसने बोला है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से अपना जो परफॉर्मा है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सभी डाउनलोड करके आपको इस जो लिखा हुआ है इसमें कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पुणे, वहाँ आपको इसको भेजना होगा और भर के, ठीक है, और वो लास्ट रहेगा 15 जुलाई 2020 को 5 बजे तक आप इसमें भेज सकते हैं। और आपको ये परफॉर्मा बता दूं मैं, ये रहेगा परफॉर्मा, ठीक है, जिसमें आपका फ़ोटो लगेगा, नाम वगैरह आपको लिख के और भेजना है, इसमें कोई गलती नहीं हो ये बोल रखा है। और आप इच्छुक हैं तो आप इसमें ज़रूर प्लीज़ अप्लाई कीजिए, ताकि आपका टाइम बचे और आपको कुछ पोस्ट मिले आपको भी। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अलग एरिया में जाके भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली वैकेंसी है, तो आप मतलब बीच में छोड़ भी सकते हैं जब आपको कहीं परमानेंट जॉब मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नई नर्सिंग वैकेंसी रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।